हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आईआईटी जेईई 2009 का पेपर 2, जिसमें कि हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं सेक्शन 1। हमारे पास सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। स्क्रीन के सामने तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले उस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करना, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना। तो चलो, सॉल्यूशन देखने के बाद जो कुछ भी समझ में आए उसको याद रखने का है, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन दोबारा कभी भी पेपर में दिख जाए तो तुम मचा दो यार। चलो वीडियो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन तुम्हारे स्क्रीन के सामने है, एंड द क्वेश्चन सेज दैट इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज CN स्क्वायर, देन फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दिस n टर्म्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या गिवन है? SN गिवन है। SN इज CN स्क्वायर। SN की वैल्यू कितनी दी हुई है? CN स्क्वायर। अब देखो, इसमें चलाकी भी किया जा सकता था। n के टर्म में जब भी क्वेश्चन आए, n के कुछ वैल्यू फिक्स कर दो, 1, 2, 3 कुछ भी, एंड उस टर्म में आंसर निकाल लो, उससे आंसर एग्जैक्टली सही आएगा। तो यहाँ पे लेट से तुमने तीन टर्म ले लिए होते कि n की वैल्यू 3 है लेट से, तो तीन टर्म हो जाते, तीन टर्म का सम निकाल लेते, वैसे हो जाता क्वेश्चन। लेकिन हम लोग इसको प्रॉपर प्रोसीजर से करेंगे एंड मल्टीपल वे से देखेंगे। एक वे इज, अगर मुझे इसका TN मालूम होता, तो मुझे ये पूछा गया है उस TN का स्क्वायर का सम का आंसर बताओ कितना आएगा n इज इक्वल टू 1 से n तक। क्वेश्चन एग्जैक्टली यही पूछा गया है। उसके लिए मुझे TN मालूम होना चाहिए। अब ये चीज़ यार बहुत पहले सिखाया जाता है कि अगर तुम्हें SN पता है तो TN की वैल्यू निकाल सकते हो SN माइनस SN माइनस 1 से। दिस मीन्स यू कैन से TN की जो वैल्यू आएगी वो CN स्क्वायर माइनस C ऑफ N माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा। ओके, सो यू विल गेट CN स्क्वायर माइनस C टाइम्स N स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2N। सो यहाँ से देखो, अल्टीमेटली C कॉमन आएगा दोनों में, ब्रैकेट के अंदर आएगा N स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2N। सो यू विल गेट C टाइम्स 2N माइनस 1। ओके, सो यहाँ से TN आ गया। अब TN आ गया तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। इसको मैं एक और तरीके से करता हूँ, वो तरीका मैं शायद बता दूँ तुम्हें, कि हमें मालूम होता है जो भी SN होगा AP का, वो हमेशा N स्क्वायर का एक टर्म होगा प्लस समथिंग इनटू N होगा, एंड हमें ये बताया जाता है कि N स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा हमेशा कॉमन डिफरेंस बाय 2 होगा। दिस मीन्स ये जो SN है, इसका जो n स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, ये कॉमन डिफरेंस बाय 2 के बराबर है। दिस मीन्स इस AP का कॉमन डिफरेंस 2C के बराबर होगा। इससे फ़ायदा क्या हुआ सर? इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमें ये भी सिखाया जाता है कि भाई TN जो होता है ना, वो लीनियर फंक्शन ऑफ n होता है, जिसमें n का जो कोएफिशिएंट होता है वो d होता है, प्लस और माइनस सम कॉन्स्टेंट आता है। ओके, सो TN जो होने वाला है वो 2CN तो आने ही वाला है, प्लस माइनस सम कांस्टेंट आने वाला है। ये कांस्टेंट कैसे आएगा? तो मुझे पता है S1 की वैल्यू T1 के बराबर होगी, S1 की वैल्यू T1 के बराबर ही होगी। सो S1 कितना आ रहा है? C आ रहा है। S1 कितना आ रहा है? C आ रहा है। T1 निकालो तो 2C आ रहा है, तो और कितना आना चाहिए? माइनस C इधर। हैंस TN की जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो C मल्टीप्लाइड बाई 2N माइनस 1 आनी चाहिए थी। ओके, सो यहाँ से या तो सोच लिया या तो ऐसे कैलकुलेट कर लिया, अल्टीमेटली हमारे पास TN सेम आया। अब TN आ चुका है तो TN स्क्वायर का सम निकालने का है। सो TN स्क्वायर इज बेसिकली C स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2N माइनस 1 का होल स्क्वायर, विच इज 4N स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 जा 4N। ओके, सो ये समेसन हमें निकालने का है। सो वी विल गेट समेसन TN स्क्वायर एज C स्क्वायर बाहर निकाल लिया और इन सब का समेसन निकाल लिया। हमें n स्क्वायर का समेसन मालूम होता है 4 × n × n+1 मल्टीप्लाइड बाई 2n+1/6 प्लस 1 का समेसन n आएगा माइनस 4 × n × n+1/2। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इधर से आ गया 2 × n × n+1 × 2n+1/3 माइनस, इधर भी 2 × n × n+1 आ गया सिर्फ, प्लस n आया। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन सी C स्क्वायर इंटू n सब में कॉमन है,
एंड ब्रैकेट के अंदर जाएगा 2 टाइम्स n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, सो दिस इज 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 अपॉन 3 माइनस n, तो कॉमन निकाल लिया हमने, 2 इंटू n प्लस 1 लिखा हुआ है प्लस n। ओके सो अब इसको एलसीएम लेके आंसर लिख देने का है, बस एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, तो ऊपर कितना आ गया, दिस इज 2 टाइम्स या 2 4 एन स्क्वायर प्लस 2 एन प्लस एन 3 एन इंटू 2 डेट इज 6 एन प्लस 2। ओके माइनस 3 2 जा 6 6 एन माइनस 6 प्लस 3 एन, ये आंसर आना चाहिए। सो दिस इज व्हाट हमें, आई कैन सी 6 एन से 6 एन कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 एन स्क्वायर रह जाएगा एंड यहाँ पे एक 3 एन रह जा रहा है, दिस शुड नॉट बी देयर, है ना। अच्छा n जब कॉमन लिया है तो 3n क्यों रहेगा, ये 3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 1 आ जाएगा। ओके सो यहाँ पे 3 हो जाएगा, सो यू विल गेट 3 प्लस 2 6 5 5 माइनस 6 माइनस 1, सो 4 एन स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 इंटू सी एन स्क्वायर, सॉरी सी स्क्वायर n, ये आंसर आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है देख लो, 4 एन स्क्वायर माइनस 1, 4 एन स्क्वायर माइनस 1 सब में है, इन दोनों में है, एन सी स्क्वायर बाई 3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन। लेकिन इसको हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से कर लेते हैं यार, एन की वैल्यू फिक्स कर देता और हमारा आंसर आ जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, वेक्टर्स एंड 3D का क्वेश्चन दिख रहा है, अलाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन कोसाइंस, पॉजिटिव डायरेक्शन कोसाइंस है, पासेस थ्रू द पॉइंट पी, एक लाइन है जो पास कर रही है पी से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेट से आगे देखते हैं, एंड मेक्स इक्वल एंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा मेक्स इक्वल एंगल विथ सारे कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड वी नो डायरेक्शन कोसाइन का एक फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। सो फ्रॉम हियर आई कैन से अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल है, सो दिस इज कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा 3 टाइम्स इज इक्वल टू 1, सो फ्रॉम हियर आई कैन से कॉस अल्फा विल बी प्लस और माइनस 1 बाय रूट 3, बट दे आर सेइंग दैट पॉजिटिव डायरेक्शन है सिर्फ, सो 1 बाय रूट 3 ले लिया, सिर्फ माइनस 1 बाय रूट 3 को छोड़ दिया। सो डायरेक्शन कोसाइन जो आएगा वो आएगा 1 बाय रूट 3 कॉमा 1 बाय रूट 3 कॉमा 1 बाय रूट 3, इसका मतलब डायरेक्शन वेक्टर कैन बी रिटन एज, डायरेक्शन वेक्टर को लिखा जा सकता है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, रूट 3 को इग्नोर किया जा सकता है क्योंकि डायरेक्शन अल्टीमेटली आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है। सो डायरेक्शन रेशियो बोल लो या डायरेक्शन बोल लो, ठीक है। सो हमें लाइन का इक्वेशन मालूम चल चुका है, पॉइंट पता है, उसका डायरेक्शन मालूम है, दिस लाइन मीट्स द प्लेन दिस एट 2x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 9, इस प्लेन को मीट करता है एट पॉइंट q, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ। बेसिकली हमें एक लाइन को एक प्लेन के साथ सॉल्व करना है, लाइन को प्लेन के साथ सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है वेक्टर्स इन 3D में, जब भी लाइन का इक्वेशन दिया हो उसको सबसे पहले सिमेट्रिक फॉर्म में लिखो, डेट विल बी इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू लैम्डा लिख दिया। अब इससे तुम्हें क्या हो जाएगा, इस लाइन पे एक जनरल पॉइंट मिलेगा, वो जनरल पॉइंट ले लो, जनरल पॉइंट विल बी लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 एंड लैम्डा प्लस 2। ओके तो ये आ गया जनरल पॉइंट, लेट्स से कुछ देर के लिए अगर क्यू है, सो दिस विल लाई ऑन दिस प्लेन, सेटिस्फाई करो 2 टाइम्स लैम्डा प्लस 2 डेट इज 4 लैम्डा प्लस 4, है ना, प्लस y के जगह डायरेक्टली लैम्डा माइनस 1 प्लस z के जगह डायरेक्टली लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 9, ये कितना आ रहा है 4 4 4, अरे 4 लैम्डा प्लस 4 क्यों किया मैंने, 2x है ना, 2 टाइम्स लैम्डा इज 2 लैम्डा एंड 2 टाइम्स 2 इज 4, ओके 2 लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा कितना आ गया 4 लैम्डा एंड इधर आ गया 4 2 6 6 में से गया 5 इज इक्वल टू 9, सो फ्रॉम हियर आई कैन सी लैम्डा इज 1, लैम्डा की वैल्यू 1 है, सो वी विल गेट अ पॉइंट क्यू, क्यू इज 3, 0, 3। अच्छा क्यू पता चल गया, पी पता चल गया, तो आंसर आ गया यार, डिस्टेंस फार्मूला, पी क्यू डिस्टेंस निकाल दो, पी क्यू डिस्टेंस विल बी रूट अंडर 3 माइनस 1, मतलब ये पी पॉइंट पता है मुझे ना, 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर इज 1, 0 माइनस 1 इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, 3 माइनस 2 इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, सो पी क्यू शुड बी रूट 3, आंसर रूट 3 है, ऑप्शन नंबर सी। तो आई थिंक बहुत ही इजी पेपर है ये,
बहुत ही ज़्यादा इजी पेपर दिख रहा है मुझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कॉनिक्स से दिख रहा है। सो द क्वेश्चन इज दैट द नॉर्मल एट पॉइंट पी ऑन द एलिप्स दिस। एक एलिप्स गिवन है बहुत ही प्यारा सा, उस एलिप्स को मैं लिख लेता हूँ। एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 गिवन है। ओके, कोई भी एक पर्टिकुलर पी पॉइंट है इस एलिप्स पे एंड वो मीट करता है एक्स एक्स स्क्वायर क्यू। मतलब अगर जनरल एक ऐसे ही रफ स्केच बना के सोचा जाए तो इस टाइप का सिचुएशन है। लेट से दिस इज पॉइंट पी, तो यहाँ पे एक टेंजेंट है तो इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया। तो दिस पॉइंट इज क्यू एंड दिस पॉइंट इज पी। इफ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट क्यू, दिस इज एम, देन द लोकस ऑफ एम, वी हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ एम, इंटरसेक्ट्स द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द गिवन एलिप्स एट द पॉइंट्स। ओके, सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ एम एंड आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लोकस विद द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ दिस ओरिजिनल एलिप्स। ओके, ठीक है, निकाल लेंगे। कैसे करेंगे? जब ये लोकस वाला क्वेश्चन आता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स सोचना चाहिए। वी कैन अज्यूम एनी पॉइंट पी ऑन दिस एलिप्स एज ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। ए की वैल्यू है 4, सो 4 कॉस थीटा 2 साइन थीटा, 4 कॉस थीटा 2 साइन थीटा, ये हमारा पी हो गया। अब आई कैन से कि भाई यहाँ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालो। तो टेंजेंट नॉर्मल निकालने के लिए पहले उसका स्लोप मालूम होना चाहिए। नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए हमने टेंजेंट का स्लोप निकाल लिया। टेंजेंट का स्लोप कितना आया देखो, डिफ्रेंशिएट कर दो उसको डायरेक्टली, 2x अपॉन 16 प्लस 2y इंटू वाई डैश अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। 2 कट गया एंड 4 जा 16, तो x बाई 4 विथ नेगेटिव साइन इज इक्वल टू y इंटू वाई डैश। सो बेसिकली y डैश इज माइनस एक्स बाई 4y, राइट? या फिर डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, एक सीन लेते हैं। इतना आप डी वाई बाई डी एक्स क्यों निकाला, वी नो डायरेक्टली टेंजेंट का इक्वेशन इज एक्स एक्स वन, एक्स एक्स वन, एक्स वन इज 4 कॉस थीटा अपॉन 16, ये तो टेंजेंट का इक्वेशन डायरेक्टली आ जाएगा। वाई वाई वन, वाई इंटू 2 साइन थीटा अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, ये होगा टेंजेंट का इक्वेशन। अब मुझे इसका स्लोप निकालना है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख देता हूँ। दिस इज 4 जा एंड दिस इज 2 जा, सो अल्टीमेटली इधर से आया y इंटू साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x इंटू कॉस थीटा बाई 4 प्लस 1। सो यहाँ से y इज इक्वल टू, मुझे स्लोप ही चाहिए तो मैं ज़्यादा माथापेची नहीं करूँगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा इंटू एक्स प्लस जो भी कॉन्स्टेंट है, इट इज 2 अपॉन साइन थीटा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दिस मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज माइनस ऑफ cos theta upon 2 sin theta, hence slope of normal will be what, 2 sin theta upon cos theta, इन दोनों का प्रोडक्ट तो माइनस वन आ रहा है। ओके, सो दिस इज 2 tan theta बेसिकली, या फिर जो 2 sin theta upon cos theta। तो नॉर्मल का इक्वेशन लिख लेंगे, y माइनस वाई वन, वाई वन इज 2 sin theta, p पे लिख रहे हैं ना, एंड 2 टाइम्स sin theta upon cos theta x माइनस एक्स वन, एक्स वन इज 4 cos theta, ये अपना नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा, राइट? अच्छा, नॉर्मल का इक्वेशन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, क्यू पे, x एक्सिस पे। x एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी होती है, 0, y की वैल्यू 0 पुट कर दी तो ये हट गया, दिस इज सेम एज दिस। अब यहाँ से 2 से 2 कट गया, साइन थीटा कट गया, cos theta इधर आया तो माइनस cos theta आया, इज इक्वल टू x माइनस 4 cos theta, सो यू विल गेट x इज इक्वल टू 3 cos theta। अच्छा, दिस मीन्स ये जो अपना Q पॉइंट है, मुझे P पॉइंट ऑलरेडी मालूम है, P पॉइंट इज 4 cos theta कॉमा 2 sin theta, मुझे Q पॉइंट मालूम चल गया, Q पॉइंट इज 3 cos theta कॉमा 0। इन दोनों का मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, लेट से M पॉइंट इज H कॉमा K, H की वैल्यू कितनी आएगी, 4 cos theta प्लस 3 cos theta बाई 2, डेट इज 7 cos theta बाई 2, K की वैल्यू आएगी 2 sin theta प्लस 0 बाई 2, डेट इज 2 साइन थीटा बाई 2, डेट इज साइन थीटा। ओके, तो अब लोकस निकालना है तो वी कैन इजली से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होने वाला है, 2h बाई 7 का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो द लोकस इज 4h स्क्वायर अपॉन 49 प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, h की वैल्यू x डाल दो तो x स्क्वायर
k की वैल्यू y डाल दो तो y स्क्वायर, दिस इज द लोकस. नाउ वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लोकस विद द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ ओरिजिनल एलिप्स. ओरिजिनल एलिप्स का एक्सेंट्रिसिटी निकालने के लिए, सॉरी लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम विल बी व्हाट, अभी इस लाइन को हटा रहा हूँ मैं. फोकस से एक परपेंडिकुलर लाइन इज द इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम. द इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम इज x इज इक्वल टू ए ई. सो वी विल हैव टू फाइंड ई. एक्सेंट्रिसिटी विल बी 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. सो दिस इज बेसिकली 16 माइनस 4 रूट 12 बाई 4. तो ए ई इज इक्वल टू रूट 12 विच इज 2 रूट 3. ओके, सो वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 2 रूट 3 विद दिस. ये एक लोकस मैंने प्लस वाला लिया, माइनस वाला ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएगा एडजस्ट. सो इफ वी विल पुट एक्स इज इक्वल टू रूट 3, 2 रूट 3 का होल स्क्वायर भी 4 इंटू 3 12, 12 4 जा 48 अपॉन 49 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो वाई स्क्वायर विल बी 1 बाई 49. सो वाई विल बी प्लस और माइनस 1 बाई 7. इसका मतलब हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा प्लस माइनस 2 रूट 3 प्लस माइनस 1 बाई 7 आएगा, विच इज ऑप्शन नंबर सी. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये भी प्रोसीजरल क्वेश्चन है, मतलब प्रोसीजर आता है तुम्हें तो इच्छा है. ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है. लेट्स सी. बोला है वी हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन दिस एंड दिस. ये दोनों लाइन एग्जैक्टली सेम है, बस पी के जगह क्यू है, क्यू के जगह पी है. एंड दे हैव गिवन दैट पी इज नॉट इक्वल टू क्यू, मतलब दोनों लाइन अलग अलग है एक तरीके से, ऐसा बोल सकते हैं. एंड द थर्ड लाइन इज वाई इज इक्वल टू जीरो विच इज एक्स एक्सिस बेसिकली. मतलब इन तीनों लाइन से एक ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर का लोकस चाहिए मुझे. तो पहले वो जो ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल के बारे में थोड़ा सोच लेते हैं किस टाइप का बन सकता है. पहले इस लाइन को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं. ए वा ओ आ आ आ वाई की वैल्यू जीरो पुट करो इसमें, वाई की वैल्यू जीरो पुट करो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस पी. सो लेट से माइनस पी इधर कही है, माइनस पी कॉमा जीरो. ओके, एक बार एक्स की वैल्यू जीरो पुट करो, वाई की वैल्यू आ जाएगी वन प्लस पी. वन प्लस पी कहीं इधर है तो जीरो कॉमा वन प्लस पी. इसका मतलब ये लाइन कुछ ऐसा है. ठीक है, अभी दूसरी लाइन को देखते हैं. दूसरा लाइन एग्जैक्टली सेम होगा, बस क्यू में सब कुछ दिखेगा. तो यार ऐसे ही ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, ऐसा कुछ होगा. लेट्स से मुझे नहीं पता है कि पी बड़ा है या फिर क्यू बड़ा है, मैं तो रफ स्केच बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस थोड़ा आइडिया लगे ताकि तुम्हें दिख पाए. तो ये कोऑर्डिनेट अपने आप माइनस क्यू कॉमा जीरो आ जाएगा, बिना सॉल्व किए मेहनत किए हो गया ही, तो जीरो वन प्लस क्यू हो जाएगा. अच्छा, सो ये वाला एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, एक पॉइंट ये होगा और एक पॉइंट ये होगा. तो बेसिकली हमारा जो काम का ट्राइंगल होगा वो होगा ये. दिस इज द ट्राइंगल, दिस इज द ट्राइंगल. ओके, सो दिस इज द ट्राइंगल. अब देखना ध्यान से, हमें इसका ऑर्थो सेंटर निकालना है. ऑर्थो सेंटर मतलब क्या हो गया, ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऑल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पे देखना, ये वाला ऑल्टीट्यूड का इक्वेशन मालूम होता अगर मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम होता. मैं नहीं चाहता हूँ इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, क्योंकि मुझे दोनों लाइंस दिख रहे हैं बहुत ही खतरनाक. क्या मैं इसका स्लोप बता सकता हूँ इस लाइन का? बोलेंगे हाँ यार बहुत ईजी है इसका स्लोप बताना. 1 प्लस पी माइनस जीरो अपॉन, दिस मीन स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 1 प्लस पी वाई टू माइनस वाई वन अपॉन जीरो माइनस माइनस दैट इज पी. ओके, वाई टू माइनस वाई वन, वन प्लस पी माइनस जीरो अपॉन एक्स टू डेट इज जीरो माइनस माइनस प्लस पी. ओके, सो दिस इज द स्लोप. इसका मतलब इसका जो नॉर्मल का स्लोप होगा, इसका नॉर्मल का जो स्लोप होगा, सोचो मतलब ऑल्टीट्यूड का जो स्लोप होगा वो कितना आएगा, एक बार सोचो. तो यू विल से माइनस पी अपॉन वन प्लस पी, दिस विल बी द स्लोप ऑफ जो भी है वो लाइन. अच्छा, ऑल्टीट्यूड इसका इक्वेशन आलू चल जाएगा. सिमिलरली इस ऑल्टीट्यूड का मैं स्लोप बता पाऊंगा क्या? आई विल से यस. सिमिलरली माइनस क्यू अपॉन वन प्लस क्यू आएगा, और तो कुछ चेंज होगा नहीं क्योंकि दोनों तो सिमिलर है. ओके, सो कैन आई राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? यस, आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन बिकॉज दिस ऑल्टीट्यूड इज पासिंग थ्रू दिस वर्टेक्स. सो वाई माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन वन प्लस पी एक्स प्लस क्यू. दिस विल बी द इक्वेशन. सिमिलरली इस ऑल्टीट्यूड का इक्वेशन,
So equation of that altitude is y minus 0 is equal to minus q upon 1 plus q x plus p. Okay. अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो एग्जैक्टली हमारा क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा. इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो एग्जैक्टली हमारा ऑर्थो सेंटर है एंड हमें उसी का लोकस निकालना है. लेट्स से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज एच कॉमा के. अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने का है. दोनों वाई को इक्वेट कर देते हैं. सो यू विल गेट माइनस पी अपॉन वन प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन वन प्लस क्यू एक्स प्लस पी. सो माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया एंड फ्रॉम हियर आई कैन सी एक्स वाले को एक साइड लाते हैं. सो दिस इज पी अपॉन वन प्लस पी माइनस क्यू अपॉन वन प्लस क्यू. कॉन्स्टेंट वाले को एक साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा पी क्यू अपॉन वन प्लस क्यू माइनस यहाँ से आ जाएगा पी क्यू अपॉन वन प्लस पी. दिख रहा है वन प्लस पी वन प्लस क्यू. अगर एलसीएम लिया जाए तो इधर आ जाएगा पी टाइम्स वन प्लस क्यू माइनस क्यू टाइम्स वन प्लस पी डिवाइड बाय वन प्लस पी इंटू वन प्लस क्यू. इधर पी क्यू कॉमन ले लेंगे तो वन प्लस पी माइनस वन माइनस क्यू डिवाइड बाय वन प्लस पी इंटू वन प्लस क्यू आएगा. नाउ आई कैन सी वन प्लस पी वन प्लस क्यू कट जाएगा एंड यहाँ पे एक्स के अंदर आएगा पी पी क्यू. देखो ना पी प्लस पी क्यू माइनस क्यू माइनस पी क्यू पी क्यू पी क्यू कट जाएगा ये तो पी माइनस क्यू आएगा. उधर से पी क्यू आया एंड इधर से वन वन कट गया सो पी माइनस क्यू आया एंड पी इज नॉट इक्वल टू क्यू हैंस वी कैन कैंसल आउट पी क्यू. सो एक्स की जो वैल्यू आई वो पी क्यू आई. एक्चुअल में एक्स की वैल्यू पी क्यू आई तो वाई की वैल्यू कितनी आई होगी. वाई की वैल्यू इधर पुट करके निकाल लेते हैं. एक्स की वैल्यू पी क्यू पुट कर दो. सो यहाँ पे पी कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर क्यू प्लस वन जाएगा क्यू प्लस वन कट जाएगा. सो वाई की वैल्यू इज माइनस पी क्यू. ओके सो एच की वैल्यू आई पी क्यू के की वैल्यू आई माइनस पी क्यू. फ्रॉम हियर आई कैन से इक्वेशन जो आएगा एच इज इक्वल टू माइनस के आएगा. डेट इज वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो लाइन आएगा. ये तो स्ट्रेट लाइन आ गया. लोकस लोकस इज ए स्ट्रेट लाइन. लोकस इज ए स्ट्रेट लाइन. ओके सो यहाँ पे हमने सेक्शन वन कंप्लीट कर लिया है. जितने भी सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट कर लिए. नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तब तक पढ़ते रहो मचाते रहो. ऑल द बेस्ट.